आज हम बात करेंगे प्रायः से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं यह यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वायरस, वायराइड और प्रायांस। प्रायांस एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट लेकर आपके सामने आता रहता है। उन्हीं को ध्यान में रखकर के ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आप देखेंगे और चेक करिए कि आपकी स्टडी कैसी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो हम देखते हैं व्हाट आर द प्रायांस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रायांस क्या है, सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे व्हाट आर द प्रायांस। पहला ऑप्शन है स्मॉल बैक्टीरिया, वायरल पार्टिकल्स, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, पैरासिटिक वर्म्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, प्रायांस क्या है, एक मिसफोल्डेड प्रोटीन, एक मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आपका है। तो देखेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन, प्रायांस, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। प्रायांस बेसिकली क्या होते हैं, जैसा कि आप नॉर्मली जानते हैं कि वायरस के पास दो पार्ट होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन कोट होती है एक नॉर्मल वायरस के पास। लेकिन प्रायांस एक ऐसा वायरस जिसके अंदर केवल प्रोटीन कोट पाई जाती है और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। और यह मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, प्रायांस ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स दैट कैन बी इंड्यूस मिसफोल्डिंग ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन्स लीडिंग टू द न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज। कहते हैं कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन हो जाती हैं और यह न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज क्या करती हैं ब्रेन के अंदर, और लॉस ऑफ मेमोरी, कई सारे एबनॉर्मल फीचर्स आपको देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रायोन्स वॉज क्वाइंड बाई कंबाइनिंग विच टू वर्ड्स। पहला ऑप्शन प्रोटीन एंड रीजन्स, बी ऑप्शन प्राइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, सी ऑप्शन प्रोटीन एंड इन्फेक्शन, प्रोटीन एंड आयंस। तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे। अपने आप को टेस्ट करिए, देखिए आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन किए हैं वायरस, वायराइड एंड प्रायांस के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटीन एंड इन्फेक्शंस, प्रोटीन एंड इन्फेक्शंस इसका करेक्ट आंसर होगा। द टर्म प्रायांस इज डिराइव फ्रॉम द प्रोटीनियस इन्फेक्टियस पार्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रायांस क्या होता है, वनली इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्ट्स होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है, यहां जेनेटिक मटेरियल ऑब्सेंट होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रायान इन्फेक्शन इन द ह्यूमन। प्रायान से रिलेटेड न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज होती है ह्यूमन के अंदर कौन सी है। पहला ऑप्शन एल्जाइमर डिजीज, दूसरा पार्किंसन डिजीज, तीसरा है क्रिट्जफेल जैकब डिजीज, चौथा ऑप्शन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे इसका आंसर क्या होगा, कौन सी न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज पाई जाती है प्रायान के द्वारा ह्यूमन के अंदर। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिट्जफेल जैकब डिजीज। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, क्रिट्जफेल जैकब डिजीज इज अ फेटल न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय प्रायान इन्फेक्शन, अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रायान डिजीज होता है। न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज होती है, कई तरह के न्यूरॉन्स डिसऑर्डर्स हो जाते रहते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन वनली प्रोटीन हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस प्रपोज बाई स्टैनले बी प्रिजनर सजेस्ट दैट। क्या बताया, प्रायान डिजीज आर द कॉज बाई वायरसेस, प्रायांस आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रायांस लैक जेनेटिक मटेरियल आर कंपोज वनली प्रोटीन्स, डी ऑप्शन है प्रायांस डिजीज आर स्लोली ड्यू टू द म्यूटेशन इन द प्रायान जीन्स। आपको बताना है प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस जो प्रिजनर साहब ने बताया था इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया था, सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई दीजिए ऑप्शन प्रायांस लैक जेनेटिक मटेरियल्स एंड कंपोज्ड ओनली द प्रोटीन्स। जैसा कि मैंने बताया यह प्रोटीन से बना होता है लेकिन इसके पास जेनेटिक मटेरियल ऑब्सेंट होते हैं। प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस प्रपोज्ड, प्रायांस लैक न्यूक्लिक एसिड, मैंने कहा था ना कि इनके पास क्या होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है लेकिन इनके पास जेनेटिक मटेरियल ऑब्सेंट है।
consists solely of the misfolded protein aggregates with the abnormal components that convert normal protein into the misfolded form. Yaad rakhiyega, Stanley B. Prisoner was received Nobel Prize for the discovery of prions 1982. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने डिस्कवर किया था, तो आपको पता है स्टेनले बी प्रिज़नर इस डिस्कवर किया था, इन्होंने ही प्रायन की डिस्कवरी के ऊपर नोबेल प्राइज का प्राप्त किया 1982 में. बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायन हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज टू एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ विच डिजीज इन द एनिमल. आपको आंसर देना है बोविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, एवियन इन्फ्लुएंजा, फूड एंड माउथ डिजीज, स्वाइन फ्लू. करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग रिप्लाई देंगे इसका. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन, बोविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. को पता है प्रायंस के बारे में कहा जाता है कि ये डिजीज जो कोश करता रहता है, ये बेसिकली क्या है, ब्रेन टिश्यू के अंदर होल कर देता है, उसके अंदर होल क्रिएट कर देता है और उनका जो स्ट्रक्चर रहता है स्पॉन्जी फॉर्म में दिखने लगता रहता है. तो प्रायन हाइपोथेसिस में यही बताया भी गया है कि ये क्या करता है, जो बोविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज कॉज करता है, इसमें क्या करता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर होल क्रिएट कर देता है और उनको स्पॉन्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता रहता है. वही बात उन्होंने कहा गया, ट्रांसमिशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ बीएससी कॉमनली नोन एज द मैड काउ डिजीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैड काउ डिजीज कहलाता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज बिलीव टू प्ले ए क्रूशियल रोल इन द प्रायन डिजीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चेक करके बताइए इसका आंसर क्या होगा. माइटोकॉन्ड्रिया, बी गॉल्जी ऑपरेटस, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी ऑप्शन है लाइसोसोम. कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करता है क्रूशियल रोल इन प्रायन डिजीज में. करेक्ट आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पता आपको है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग होती है और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है. और प्रायन्स के अंदर भी आप देखते हैं जो नॉर्मल प्रोटीन होती है वही क्या होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती रहती है, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से. तो बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग्स एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रायन. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायन डिजीज आर नोन टू बी, पहला ऑप्शन इन्फेक्टियस इन एंड हेरिडिटी, बी ऑप्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सी ऑप्शन वायरल इन्फेक्शन, डी ऑप्शन नॉन कम्युनिकेबल. सभी लोग रिप्लाई देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रायन डिजीज क्या है, इन्फेक्टियस एंड हेरिडिटरी. तो पता है कि प्रायन डिजीज क्या होती है, इन्फेक्शन के थ्रू होती है और इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस भी होता रहता है, इसकी वजह से क्या होती है, इनहेरिटेड भी हो सकती है. लिखा गया है, कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द इन्फेक्शन आर इनहेरिटेड ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशन इन द प्रायन प्रोटीन. तो ये क्या हो सकती है, इन्फेक्टियस एंड हेरिडिटी हो सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द नॉर्मल सेलुलर फॉर्म ऑफ द प्रायन प्रोटीन इज डिनोटेड एज, जो नॉर्मल सेलुलर फॉर्म जो होता है प्रायन प्रोटीन का वो किस रूप में डिटेक्ट किया जाता है, PRPSC, PRPC, प्रायन ए, PRP 27 to 30. तो क्या आंसर होगा, सभी तो रिप्लाई देंगे, अपने आप को चेक करिए कि हमने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है प्रायन्स के बारे में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्मल पूछा है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सेलुलर फॉर्म पूछा है, तो नॉर्मल सेलुलर फॉर्म में PRPC प्रायन सेलुलर से कहा जाता है. देखेंगे तो नॉर्मल सेलुलर फॉर्म जो होता है प्रायन्स का उसे कहते हैं प्रायन प्रोटीन डिनोटेड एज द PRPSC फॉर द सेलुलर होता है, कॉमन सेलुलर प्रायन प्रोटीन होता रहता है. लेकिन जब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन हो जाती है, जब ये इंड्यूस होकर मिसफोल्डेड फॉर्म में आती है, उसको किस रूप में रिप्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है. जब ये मिसफोल्डेड फॉर्म में आता है तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PRPSC. जब नॉर्मल कंडीशन में आता है तब PRPC रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल सेलुलर कंडीशन में. जब यह मिसफोल्डेड फॉर्म में आता है
तो PRP SC जो SC होता है स्क्रैपी होता है, स्क्रैपी डिजीज है, स्क्रैपी प्रायास प्रोटीन हो जाती है। तो याद रखिएगा नॉर्मल सेलुलर फॉर्म में प्रायास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये मिसफोल्डेड फॉर्म में आता है तो उस समय इसको PRP SC रूप में प्रेजेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को चेक करिए और बताइए विच एनिमल स्पीसीज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग BSE टू द ह्यूमन लीडिंग टू द वेरिएंट क्रेडफल जैकब डिजीज। कौन सी एनिमल स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है BSE को ट्रांसफर करने में ह्यूमन बींग की? पिग, चिकेन, काउ, डी ऑप्शन है सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका? काउ। देखें हम, आपको पता है BSE वॉज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द कंजप्शन ऑफ द BSE इन्फेक्टेड बी प्रोडक्ट लीडिंग टू द क्रेडफेल्ड जैकब डिजीज। तो काउ जो क्या करता है, इसके द्वारा ही इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बींग के अंदर, क्रेडफेल्ड जैकब डिजीज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन सिस्टम कॉमन सिम्टम ऑफ प्रायान डिजीज। ध्यान रखिएगा यहां क्वेश्चन पढ़ते समय नॉट लिखा हुआ है। कॉमन सिम्टम ऑफ द प्रायान डिजीज, मेमोरी लॉस, मसल वीकनेस, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, बिहेवियर चेंज। तो करेक्ट आंसर बताइए आप लोग और चेक करिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपने किया है प्रायान्स के ऊपर। क्या नॉट लिखा हुआ है तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मेमोरी लॉस, मसल वीकनेस, बिहेवियर चेंज, ये सारी डिजीज सिम्टम जो है प्रायास के हैं। जब ब्रेन टिश्यू डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है, होल हो जाता है, उनके अंदर स्पॉन्जी फॉर्म आ जाते रहते हैं, ऐसे टाइम में मेमोरी लॉस होने के चांस रहता है, मसल वीकनेस की होता है, बिहेवियर चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन सेल डिविजन नहीं होता रहता है। दिखाई देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लें हम। प्रायान डिजीज प्राइमरली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, मैंने कहा ना कि ये नर्वस सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करता रहता है, एंड लीड टू द सिम्टम्स सच एज मेमोरी लॉस, मसल वीकनेस, बिहेवियरल चेंजेस, बट डू नॉट कॉज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। प्रायान डिजीज आर ऑफन करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायान डिजीज को कैसे पहचाना जाता है? एमाइलॉइड प्लेक, लिपिड ड्रॉपलेट, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड चैनल्स के रूप में। तो करेक्ट आंसर सभी लोग रिप्लाई देंगे और चेक करिए अपने नॉलेज को। एमाइलॉइड, एमाइलॉइड प्लेक इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए प्रायान डिजीज और द एसोसिएटेड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ द मिसफोल्डेड प्रायान प्रोटीन। जैसा मैंने कहा कि नॉर्मल प्रोटीन को मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर इसको मिसफोल्डेड होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइलॉइड प्लेक। एमाइलॉइड प्लेक के रूप में मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या होती हैं, कलेक्ट हो जाती रहती हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन जो ग्रेन्यूल्स के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मल प्रायान प्रोटीन इन द ब्रेन टिश्यू ऑफ द सस्पेक्टेड प्रायान डिजीज पेशेंट। कहते हैं जो प्रायान डिजीज से अफेक्टेड व्यक्ति है उसके ब्रेन टिश्यू के अंदर प्रायान डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेक्निक यूज की जाती रहती है? पहला ऑप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और सी ऑप्शन है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और डी ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। मुझे रिप्लाई देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी भी आ सकता है आपके सामने। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जैसा कि आपको पता है प्रोटीन सेप्रेशन टेक्निक अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर देखा है प्रोटीन्स को अलग करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जरूरत होती रहती है। तो देखते हैं हम जरा, जनरली क्या होता है प्रोटीन्स, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट एनालाइज द प्रोटीन। मैंने बताया कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है, प्रोटीन सेपरेशन एक टेक्निक होती है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रायान्स प्रोटीन्स इन बायोलॉजिकल सैंपल। यानी प्रायान्स सैंपल को भी अलग करने के लिए, चूंकि वहाँ इन्फेक्टियस प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स पाई जाती रहती हैं, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, तो प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द बेस्ट मेथड। लेकिन ट्रेडिशनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन रेजिस्टेंस PRP SC बाई इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। कहते हैं कि ट्रेडिशनली इसको जो आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन
प्रोटीएज रेजिस्टेंस PRP80 होता है उसका इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के द्वारा भी करते रहते हैं। तो याद रखिएगा ये दूसरा भी मेथड है। और डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ, याद रखिएगा डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्टियस प्रायन इज डन बाय द एलाइजा। एलाइजा आपको पता है, एलाइजा के द्वारा डायरेक्ट डिटेक्शन इसका इन्फेक्टियस प्रायन प्रोटीन का भी किया जाता रहता है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें दिया गया है, आप ध्यान दें, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और MRI दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, याद रखिएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंट क्रेजेफेल जैकब डिजीज VCJ इज बिलीव टू द कॉज प्राइमरली बाय द कंजम्पशन ऑफ बी प्रोडक्ट कंटामिनेटेड विद द प्रायन फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है क्रेजेफेल जैकब डिजीज जो है सबसे पहले जो बीफ को खाने से हुआ वह किस देश के अंदर निकला? यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर पहली रिपोर्ट इसके अंदर आई थी। द आउटब्रेक ऑफ द क्रेजेफेल जैकब डिजीज प्रीडोमिनेंटली लिंक्ड टू द कंजप्शन ऑफ द BSE इन्फेक्टेड बीफ प्रोडक्ट। बीफ प्रोडक्ट को खाने से यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1980 और 1990 में यह केस रिपोर्ट किया गया था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायन्स डिजीज आर ट्रांसमिसेबल बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज विच आर रिफर टू एज। प्रायन डिजीज जो होती है ट्रांसमिट होती रहती है डिफरेंट स्पीसीज के रूप में, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रायन जूनोसिस, प्रायन म्यूटेशन, प्रायन इंसिफेलोपैथी, प्रायन एडाप्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रायास जूनोसिस। जैसा कि आप जानते हैं ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायास जूनोसिस टर्म। जूनोसिस रिफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ प्रायान डिजीज बिटवीन द डिफरेंट एनिमल स्पीसीज। जब डिजीज डिफरेंट एनिमल स्पीसीज के बीच में ट्रांसफर होती है और ह्यूमन बीच के भी, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसफर होती रहती है, इसे कहते हैं जूनोसिस डिजीज। समटाइम्स ह्यूमन ए जूनोसिस, जोनोटिक डिजीज आर जोनोसिस प्लूरल टर्म है। इन्फेक्टियस डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू द ह्यूमन एंड ह्यूमन टू द एनिमल। जब कोई डिजीज एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं जोनोसिस डिजीज। तो ये कैसी डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है? इसे कहते हैं प्रायन जोनोसिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायन डिजीज इज स्पेसिफिक टू द शिप एंड गोट। कौन सी प्रायन डिजीज होती है जो सिप और गोट के अंदर ही स्पेसिफिक होती है? क्रॉनिक वेस्टिक डिजीज, स्क्रैपी, वेरिएंट क्रेजेफेल जैकब डिजीज एंड कुरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा स्क्रैपी। करेक्ट आंसर हुआ स्क्रैपी। प्रायन डिजीज ट्रांसमिट प्राइमरी इफेक्ट द सिप ऑन स्क्रैपी प्रोटीज जो डिजीज होती है बेसिकली क्या होती है? सिप और गोट से प्रभावित होती है। अब देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बताया है कि आपको याद रखना चाहिए फैक्ट, आपको कौन कौन से डिजीज किस एनिमल और ह्यूमन बींग के अंदर होता रहता है। स्क्रैपी, तो अगर आप देखो, अगर मैं बताऊँ आपसे तो यहाँ आप देख सकते हो स्क्रैपी। स्क्रैपी सिप एंड गोट के अंदर होता है। ट्रांसमिसिबल मिंक इंसिफेलोपैथी TME जिसे कहा जाता है, ये सब याद रखिए मिंक के अंदर होता है। क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज म्यूल डियर इक, बोविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलोपैथी BSE जिसे कहता है, ये कहाँ होती है? काउ के अंदर। याद रखिएगा डिजनरेशन ऑफ द फिजिकल मेंटल एबिलिटी होती रहती है। और क्रेजेफेल डैक, अब देखो अब याद रखना ह्यूमन के अंदर आपको सिप एंड गोट कहाँ मिला? स्क्रैपी डिजीज। और आपने देखा बोविन स्पॉन्जी फॉर इंसिफेलोपैथी काउ के अंदर, और आपने देखा क्रेजेफेल जैकब डिजीज कहाँ हुआ? ह्यूमन के अंदर। कुरु ह्यूमन के अंदर। जेस्टमैन स्टेस्टुलर स्टिकनर सिंड्रोम GSS कहा जाता है ह्यूमन के अंदर। फेटल फेमिलियल इंसोम्निया ह्यूमन के अंदर। तो ये याद रखिएगा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जब कभी आपसे पूछ ले प्रायन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। द कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल प्रायन प्रोटीन टू द एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन्स इज थ्रू कट थ्रू ए प्रोसेस नोन एज।
किस प्रोसेस के द्वारा एक नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीन होती है उसको एबनॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट कहते हैं। पहला ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, बी ऑप्शन रिवर्स ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन प्रोटीन रिफोल्डिंग, डी ऑप्शन सीडिंग एंड टेम्पलेटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिप्लाई हमको दीजिए आप लोग, सीडिंग एंड टेम्पलेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीडिंग एंड टेम्पलेटिंग होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सीडिंग एंड टेम्पलेटिंग। देखिए, जब नॉर्मल प्रोटीन्स को एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है तो वह काम उस प्रोसेस करते हैं सीडिंग एंड टेम्पलेटिंग प्रोसेस करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रायन डिजीज इज फॉल्स? प्रायन डिजीज के बारे में क्या गलत है? पहला ऑप्शन प्रायन डिजीज आर ऑलवेज कंटिन्यूस, प्रायन डिजीज आर कैरेक्टराइज बाई द लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, सी ऑप्शन प्रायन डिजीज कैन बी हेरिडिटरी, डी ऑप्शन प्रायन डिजीज आर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल प्रोटीन एग्रीगेशन। तो इसका क्या होगा, क्या गलत है आपको बताना है। प्रायन डिजीज के बारे में क्या गलत है? क्यों लिखा है प्रायन डिजीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और बाकी सब सही है। प्रायन डिजीज लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड रखता है, प्रायन डिजीज हेरिडिटी भी रखता है, इन्फेक्टिस हेरिडिटी भी होता है, और यह एबनॉर्मल प्रोटीन एग्रीगेशन भी रखता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्टिग्यूस। ये ऑलवेज कॉन्टिग्यूस नहीं होता है, कैन बी कॉन्टिग्यूस टू इंजेक्शन और एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू, ठीक है ना। प्रायन डिजीज कैन बी कॉन्टिग्यूस थ्रू इंजेक्शन आर एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड टिश्यू। नॉट ऑल प्रायन डिजीज आर स्ट्रिक्टली कॉन्टिग्यूस, सभी प्रायन डिजीज क्या होती है? इन्फेक्टियस नहीं होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्रायन डिजीज इन द ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर पहली प्रायन डिजीज कौन डिस्कवर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, क्रजफेल जैकब डिजीज एंड कुरु डिजीज। रिप्लाई दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुरु डिजीज। याद रखिएगा, कुरु डिजीज क्या होती है? पहली ह्यूमन के अंदर प्रायन इन्फेक्टेड डिजीज का नाम था। कुरु डिजीज वॉज द फर्स्ट प्रायन डिजीज discovered in the human among the four people of the Papua New Guinea due to the cholestic cannibalism. Kuru disease was discovered by the D. Carlston and Gardusek. याद रखिएगा, Kuru disease पहले prion disease जो थी report की गई थी चार व्यक्तियों के अंदर Papua New Guinea के अंदर, और इसको discover करने वाले वैज्ञानिक कह सकते हैं जो discover किए थे D. Carlston and Gardusek थे। ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रायास रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, और अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रायास के बारे में। तो पहला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखना है, आपको याद रखने की जरूरत है, ये याद रखने की जरूरत है कि प्रायन डिजीज किसने डिस्कवर किया। तो आप देख सकते हो, स्टेनले वी प्रिजनर आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड द इन्फेक्टियस एजेंट एज अ प्रोटीन। तो प्रायास क्या है? एक इन्फेक्टियस मिसफोल्डेड प्रोटीन है, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अब्सेंट होता है। याद रखिएगा, इसको डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्टेनले वी प्रिस्नर, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1997 प्रिस्नर वाज द अवार्डेड टू द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में इसकी डिस्कवरी के कारण, इसके आइसोलेशन के कारण पहली बार नोबेल प्राइज जो मिला 1997 में प्रिस्नर साहब को मेडिसिन और फिजियोलॉजी, ये बात आपको रखिएगा। और जो एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले डिजीज में इसकी स्टडी की बात स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी के बारे में किया गया था। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इतना क्वेश्चन जानने के बाद आप देख सकते हैं प्रायास क्या होती है? इन्फेक्टियस ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। उनके पास क्या ऑब्सेंट होता है? दे डू नॉट कंटेन द डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए आरएनए ऑब्सेंट होता रहा। प्रायास कौन से डिजीज कॉज करता रहता है? प्रायास कॉजेज द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज इन विच लार्ज वैक्यूल, एक लार्ज वैक्यूल क्या होती है? ब्रेन टिश्यू के अंदर डेवलप हो जाती रहती है। प्रायास हैव नॉट बी विजुलाइज्ड, बट उनको स्टडी किया जा सकता है। अगली पॉइंट अगर मैं बात करूँ, इन्फेक्टिविटी इज नॉट डिस्ट्रॉय बाई द अल्ट्रावायलेट रेज आर न्यूक्लियस, दे कैन डिस्ट्रॉय बाई द केमिकल दैट डीनेचर द प्रोटीन एंड हीट।
मतलब जो इन्फेक्टियस प्रोटीन होती हैं, प्रायः प्रोटीन्स होती हैं, उनको अल्ट्रावायलेट के द्वारा, न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं किया सकता है। उनको डिस्ट्रॉय या डीनेचर करने का प्रोसेस क्या है? केमिकल के द्वारा उनको डीनेचर किया जा सकता है या हीट के द्वारा। और हमने आपसे बात किया था, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको प्रायः से रिलेटेड याद रखना चाहिए कि नॉर्मल सेलुलर फॉर्म में जब ये होता है तो उसको पीआरपीसी कहा जाता है, और जब ये क्या होता है इन्फेक्टियस फॉर्म में मिसफोल्डेड प्रोटीन आती है तो उसे कहते हैं पीआरपीसी। तो आपको याद रखिएगा पीआरपी प्रोटीज रेजिस्टेंस प्रोटीन आर एससी फॉर द स्क्रैपी, जैसा कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहले क्वेश्चन देखने को मिला था कि नॉर्मल सेलुलर फॉर्म पीआरपीसी है और पीआरपी एससी क्या होता है जब यह मिसफोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता रहता है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिजीज की मैंने बात किया था, कौन कौन सीप और गोट के अंदर स्क्रैपी आपने देखा, मिंक, आपने ह्यूमन के अंदर कौन कौन से डिजीज देखना है तो आपको याद रखने की जरूरत किसको है, किन किन डिजीजों को, तो कुरू याद रखिएगा, क्रेट्सफेल्ड जैकब डिजीज, अभी मैंने बात किया फेटल मेमलिया इंसोनोमिया। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है जब आपसे पूछ ले कि कौन सी डिजीज प्राय से होती है, कौन ह्यूमन के बीच में होती है और इसके होस्ट क्या क्या है, कहाँ पे सीप एंड गोट किस डिजीज के अंदर है, कहाँ पे ह्यूमन होस्ट के रूप में है और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, इस टेबल को आप देख सकते हैं। प्रायांस की मैं बात करूँ तो आपको मैंने पहले बताया कि प्रायांस में मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, यह प्रोटीन कितने 253 अमीनो एसिड से बनी होती है पीआरपीसी प्रोटीन्स, और यह क्या होता है इट्स अंडरगोस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता रहता है। और याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, नॉर्मल सेलर जो प्रोटीन्स होती है प्रायांस की वह सरफेस पे न्यूरॉन्स की पाई जाती है, यह ट्रांस मेम्ब्रेन एक ग्लाइको प्रोटीन्स होती है और इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेन 43% अल्फा हेलिकल्स एंड 3% बीटा प्लेटेड शीट। तो आप कह सकते हैं कि यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जो आपको बताया है मैकेनिज्म कैसे इसकी फोल्डिंग की होती है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं हम लोगों ने आज बात किया आज के लेक्चर्स में प्रायांस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Thanks to all of you.